हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस पॉसोलॉजी पार्ट सेकंड, सो लेट्स स्टार्ट। वी डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग पॉसोलॉजी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। उससे पहले अगर अपन बात करें कि प्रीवियस वीडियोज में अपन ने देखा था कि पॉसोलॉजी क्या है। पॉसोलॉजी के बात के बारे में मैंने बताया था आपको कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉसो एंड लोगोस। पॉस का मतलब है हाउ मच एंड लोगोस यानी कि साइंस स्टडी, यानी कि कितनी डोज एक पेशेंट को देनी है उसके अंदर एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। अब पेशेंट क्या है, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, अपन किस रूट से दे रहे हैं, वो सारे के सारे फैक्टर हैं अफेक्ट करेंगे कि अपने को कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग है जो कि पेशेंट को देनी है, या इस तरीके के पेशेंट को ये मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेडिसिन का क्या रहेगा, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे जो अपनी मेडिसिन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो कि अमाउंट ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। वो फैक्टर्स हैं एज, सेक्स लाइक जेंडर फीमेल है या मेल है, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं, इमोशनल फैक्टर यानी कि किसी को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, को डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है तो जो ड्रग का एक्शन है वो क्या वो चेंज होगा। नाइन्थ इज अक्यूमुलेशन, टेन इज एडिटिव इफेक्ट, 11 इज सिनर्जिज्म, 12 इज एंटागोनिज्म, 13 इज आइडियोसिंक्रेसी, 14 इज टॉलरेंस, 15 इज टैकीफाइलेक्सिस, 16 इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म साथ में ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन कहलाते हैं। चलो डिटेल में बात करते हैं इन सब की। फैक्टर है वो है एज। एज की बात करें तो एज को अपने तीन तरीके से डिवाइड कर लिया है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी एज, जो एडल्ट हैं, और एट दी एंड जो एजड पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट्स हैं। तो इन तीनों के अंदर क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज डिफरेंट। रीजन क्या है, क्योंकि द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग्स चेंजेस विद एज, यानी कि जो फार्माकोकाइनेटिक है ड्रग की, लाइक एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर उसका एक्सक्रेशन, यानी कि ड्रग किस रेट से एड्सॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, मेटाबोलाइज किस तरीके से हो रही है और एक्सक्रिएट कैसे हो रही है, ये एक ह्यूमन की एज पे भी डिपेंड करता है। लाइक जैसे अपन पेडेटिक्स की बात करते हैं तो जिस न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो उनके जो रीनल और हिपेटिक फंक्शंस हैं वो इमैच्योर होंगे, बट अपने को पता है अधिकांश जो ड्रग्स हैं वो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू या फिर रीनल से एक्सक्रिएट होती है। तो अगर ये जो फंक्शंस है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो डोज ऑफ क्वांटिटी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकती है। इसलिए जो पेडेटिक पेशेंट हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट, डोज है जो कम दी जाती है। दूसरा, पेडेटिक के अंदर जो बॉडी वेट वाटर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। फैट लो है तो जो ड्रग है वो बॉडी में पेनिट्रेट या फिर बाइंड नहीं कर पाएगी, इसलिए डाइट एक्शन कह सकते हैं या सीधी की सीधी थोड़ा एक्शन करके बॉडी से निकल भी जाएगी। दूसरा, डिफरेंट प्रोटीन बाइंडिंग होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट, दे आर अनेबल टू एक्सक्रिएट ड्रग टू एक्सटेंड एज एन एडल्ट, यानी कि जो पेडेटिक्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती ड्रग को एक्सक्रिएट करने की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो किडनी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। तो एज कम्पेयर टू एडल्ट उनके जो डोज की क्वांटिटी है वो भी कम दी जाती है, सो दैट्स वाई दे रिक्वायर्ड लेस डोज एज कम्पेयर टू द एडल्ट। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं लाइक हिपेटिक फंक्शन, लीवर, किडनी, ये सारे के सारे प्रॉपर वे में चल रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट है, तो एक्सक्रेशन भी प्रॉपर होगा, तो दैट्स वाई दे नीड अ लार्जर डोज एज कम्पेयर टू द न्यूबॉर्न बेबीज। सिक्स इज एडल्ट या फिर जेरेट्रिक। इसके अंदर एक तो पेशेंट को कोई दूसरे तरीके की डिजीज हो सकती है और साथ ही साथ ड्यू टू एज उसके जो हिपेटिक और रीनल फंक्शन है उनका काम करने की क्षमता है जो कम होती जाती है। तो अगर काम करने की क्षमता कम होगी तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीशन और ड्रग प्रॉपर नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई ये भी जो डोज हैं मेडिसिन हैं उसको कम अमाउंट में ही रिक्वायर्ड रखते हैं। है सेक्स यानी कि जेंडर, यानी कि किसी भी ड्रग का मेल या फीमेल पे क्या इफेक्ट है। तो अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेटिंग मदर फीडिंग करवाने के टाइम पे, तो उस दौरान उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले, वुमेन्स आर मोर सस्पेक्टेबल टू द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स देन अ मैन, यानी कि जो वुमेन्स हैं, जो फीमेल रहती हैं, दे आर मोर सस्पेक्टेबल, ये ज़्यादा सस्पेक्टेबल होती है काफ़ी ड्रग्स से एज कम्पेयर टू द मैन। लाइक ड्यूरिंग मेनस्ट्रेशन, अगर किसी व्यूमेन की प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर मेनस्ट्रेशन है, पीरियडिक साइकिल्स आ रहे हैं, तो ब्लीडिंग अगर हैवी है तो अगर उस दौरान उनके अंदर एक क्रैम्प्स आते हैं तो उस समय अगर स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव दे दें जो कि लूज मोशंस करवाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है पेन हो या हाईली लूज मोशन
क्रिएट हो सकते हैं. तो दैट्स टाइम इन मेनस्ट्रेशन टाइम दे शुड अवॉइड द स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव. पर्गेटिव यानी कि जो कि रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कब्जी से आराम देते हैं, लाइक अलॉय. इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो यूटेरिन स्मूथ मसल्स हैं वो स्टिमुलेट या फिर रिलैक्स होती रहती है, तो उस दौरान उनको जो यूटेरिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो लोअर लेवल है वहाँ पे पेन या फिर इरिटेशन उनको फील ना हो. तो स्टिमुलेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइक पर्गेटिव अगेन जो लूज जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग और एर्गॉट एल्कलॉइड्स. ड्रग विच आर कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग प्लेसेंटा एंड इफेक्ट द फीटस मस्ट बी अवॉइडेड. काफ़ी सारे ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में प्लेसेंटा है जो अपरा है उसको क्रॉस करके फीटस के अंदर इफेक्ट डाल सकती है या फीटस की प्रोसेसेस को इफेक्ट कर सकती है. तो उन मेडिसिन को भी प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए, लाइक एल्कोहल, इट कैन बी क्रॉस बाय प्लेसेंटा, बारबिट्यूरेट्स जो कि जो एंटी एंजाइटी या फिर साइकोटिक टाइप ऑफ ड्रग्स हैं, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो पेन किलर्स हैं वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करना चाहिए. इन लैक्टेटिंग मदर, अगर कोई महिला है जो कि फीड करवा रही है बेबीज को, तो ड्यूरिंग द फीडिंग मिल्क के थ्रू भी काफ़ी सारी मेडिकेशंस है जो कि फीटस को पहुंच सकती है. ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो फीटस से मिल्क के थ्रू पहुंच सकती है और उसको एक लीदल या फिर हार्ड इफेक्ट दे सकती है, वो भी महिला को अवॉइड करना चाहिए. लाइक एंटी हिस्टामिनिक्स जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं वो ड्यूरिंग थ्रू द मिल्क फीटस तक पहुँच सकती हैं, तो शी मस्ट अवॉइडेड मॉर्फिन, अ पेन किलर एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. ये सारी जो मेडिसिन हैं मिल्क के थ्रू फीटस तक पहुँच सकती है और उनके अंदर कोई चेंजेस ला सकती हैं, सो दे मस्ट बी अवॉइडेड. थर्ड वन इज बॉडी वेट. मोस्टली जो ड्रग्स हैं, जो पर्सोलॉजी है, कितनी क्वान्टिटी कितनी पेशेंट को दी जाती है, ये वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है. और ये माना जाता है कि ये कंसिडर की जा रही है 70 kg एक स्वस्थ एडल्ट के हिसाब से, और इसके आधार पे जो भी डोज की कैलकुलेशन है वो की गई है. अब बॉडी वेट क्या है, चिल्ड्रन का बॉडी वेट क्या है, उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि 70 kg के आदमी को अगर इतनी क्वान्टिटी ऑफ ड्रग दी जा रही है, तो 12 साल के बच्चे जिसका वजन सपोज 6 kg है, 8 kg है, उसको कितनी मेडिसिन दी जाएगी. तो एवरेज डोज इज मेंशन आइदर इन टर्म ऑफ मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट. जो भी डोज है वो मोस्टली मिलीग्राम के अंदर अपन देते हैं और ये बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है कि अगर 70 kg है पर्सन तो उसके अंदर 500 mg ऑफ डोज देनी है. ऑफिशियली यूजुअल डोज फॉर ड्रग आर कंसिडर सुटेबल फॉर 70 kg और 150 lb इंडिविजुअल. यानी कि जो ऑफिशियल जो भी ड्रग्स का अपने को क्राइटेरिया पता है कि भाई इतनी मिलीग्राम ड्रग है, वो सारी की सारी 70 kg मेल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई है. 70 kg बोल दो या 150 lb बोल दो, 1 kg इज 2.2 lb. पॉइंट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप जो ड्रग है वो किस रूट से दे रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ डोज देनी पड़ेगी. रूट की बात करते हैं तो दो ऑफिशियल रूट की बात करेंगे यहाँ पे अपन, ओरल रूट एंड आईवी रूट. अब ओरल रूट है तो ओरल रूट के अंदर भाई ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म भी होगा, लीवर से ड्रग मेटाबोलाइज भी होगी. दूसरा उसके अंदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं वहाँ पे भी अपनी ड्रग है जो एब्जॉर्ब होगी. तो इतनी सारी अपनी ड्रग है, कहीं ना कहीं लॉस हो रही है, तो क्या होगा, जो ड्रग है उसकी अपने को लार्जर डोज चाहिएगी. बट अगर अपन आईवी रूट की बात करें तो आईवी रूट के अंदर कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, आपकी जो ड्रग है वो किसी भी बैरियर्स के थ्रू खत्म नहीं हो रही, तो सीधी की सीधी 100% बायो अवेलेबल है. यानी कि जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, जहां से ड्रग है जो एक्शन करना शुरू करेगी, पूरी की पूरी ड्रग उस जगह सिस्टम में पहुंच रही है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रही है. सो ड्रग का एक्शन भी बहुत क्विक होगा क्योंकि उसे किसी के बैरियर को क्रॉस नहीं करना, उसे डिसइंटीग्रेट नहीं होना, डिजॉल्व नहीं होना, इसलिए इसकी जो डोज है वो भी कम रिक्वायर्ड है. और अगर अपन ओरल डोज के जितनी जितनी आईवी में दे दे तो ये टॉक्सिसिटी को भी एनहेंस कर सकता है. साथ ही अगर ओरल रूट से अपन कोई मेडिकेशन रॉन्ग भी दे दें तो इट कैन बी क्योरेबल, अपन उसको वापस क्योर कर सकते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने में उसको समय लगेगा. बट आईवी रूट से अगर कोई रॉन्ग मेडिसिन दे दें तो चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी कैन बी इंक्रीज्ड. इसके अलावा भी काफ़ी सारे रूट हैं तो उसके हिसाब से जो पोस है यानी कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो चेंज होती रहती है, लाइक ऑक्यूलर, बकल डिलीवरी, सबलिंगुअल, ओरल डिलीवरी, इंटरवीनियस, इंटरमस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल डिलीवरी, पल्मोनरी और नेजल डिलीवरी एंड वेजाइनल और रेक्टल डिलीवरी. तो ये सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके आधार पर आपकी जो ड्रग की क्वान्टिटी है जो एक सेम एक्शन प्रोड्यूस कर रही है वो चेंज हो सकती है. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप किस समय पर जो मेडिसिन है वो ले रहे हो. यहाँ पे जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पेक्ट है फूड के, कि आप खाने के साथ मेडिसिन ले रहे हो या एम्प्टी स्टमक ले रहे हो. अगर आप एम्प्टी स्टमक फूड मेडिसिन लोगे तो क्या इफेक्ट रहेगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड के साथ मेडिसिन का क्या इफेक्ट रहेगा.
तो अब देखते हो कि बहुत टाइम डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको मेडिसिन है जो भूखे पेट लेनी है, ये खाने के बाद लेनी है, ये आपको मिल्क के साथ लेनी है, ये मेडिसिन आपको मिल्क के साथ नहीं लेनी है। उसका रीज़न क्या होता है? ड्रग का इफेक्ट, कि ड्रग की जो काइनेटिक्स हैं वो इन चीज़ों के कारण चेंज होती है। अब प्रेजेंस ऑफ फूड की बात करें तो फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने स्टमक के अंदर, और अब अपन मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या होगा? एक तो एक्शन है जो डिले हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फूड को वो पचाएगा, उसके बाद जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी। बट एडवांटेज क्या है अगर आपको फूड के बाद लेने का बोले? क्योंकि ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है, तो कोई सपोज इरिटेटिंग ड्रग है लाइक आयरन, आर्सेनिक एंड कोड लीवर ऑयल, तो ये जो इरिटेशन है इन मेडिसिन की वो कम होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्टमक नहीं है तो एब्जॉर्प्शन इतना पावरफुल नहीं होगा एज कम्पेयर टू द एम्प्टी स्टमक, तो जो इरिटेशन ऑफ ड्रग है वो भी कम होगी और जो मेडिसिन है अच्छे से टॉलरेट हो पाएंगी। सो द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड इफ एडमिनिस्ट्रेटेड आफ्टर मील लाइक आयरन, आर्सेनिक एंड कोड लीवर ऑयल। बट यही अगर आपको ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी करवाना है तो यू नीड टू टेक इट इन इम्प्टी स्टमक, लाइक इन अब्सेंस ऑफ फूड रैपिड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। पॉइंट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। अब मेडिकेशन आपने बहुत बार देखा होगा, काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि नाइट को सोने के समय दी जाती हैं और कुछ है जो मॉर्निंग में या आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट दी जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न है उनका एक्शन। अब ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको नाइट के टाइम दी जाएगी जो मोस्टली जैसे किस जो स्लीपिंग इंड्यूस करती है? रीज़न क्या है? क्योंकि जो नाइट है वो रिलैक्सिंग मोड है, मोस्टली अपन सोते हैं उस समय पे, तो जो भी रिलैक्सिंग मोड वाली मेडिसिन होगी वो आपको काम करेगी और इजी स्लीपिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। लाइक लेस डोज इज रिक्वायर्ड ऑफ रिलैक्सिंग ड्रग्स एट नाइट। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिलैक्सिंग टर्म टाइम है, और अगर आप उस टाइम पे कोई रिलैक्सिंग ड्रग ले रहे हो तो एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग जो स्टिमुलेटिंग टाइम माना जाता है उसके हिसाब से आपको जो ड्रग है वो कम चाहिएगी, और दूसरा इफेक्टिवनेस भी उसकी एज मॉर्निंग ज़्यादा होगी। लाइक बारबिट्यूरेट्स जो कि साइकोटिक मेडिसिन हैं, हिप्नोटिक्स जो स्लीप इंड्यूस करती हैं, नींद की दवाइयाँ, ये सारी की सारी नाइट में दी जाती हैं। वाइल मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में सारी वो मेडिसिन दी जाएंगी जो कि स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी की हों। क्यों? क्योंकि जो डे लाइट है वो भी स्टिमुलेटिंग होगी, काम करने वाली होगी, तो जो एनर्जेटिक मेडिसिन है लाइक जो मल्टी विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन हैं, ये सब अपन मॉर्निंग में लेते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्स, सो दे एनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग। सेवन्थ फैक्टर इज इमोशनल फैक्टर। अब पेशेंट को क्या बीमारी है, अपन कितना इलाज कर रहे हैं, और क्या सच में उसको वो पर्टिकुलर मेडिकेशन देने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर डिजीज से ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है उसके इमोशंस पे। काफ़ी समय ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो सच में बीमार नहीं है, तो अपन को क्या करना होता है? उसको प्लेसिबो देना पड़ता है। प्लेसिबो यानी कि इट जस्ट लुक लाइक अ ओरिजिनल थेरापेटिक ड्रग, दिखने में तो एकदम ड्रग के जैसी होती है बट उसके अंदर कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, तो पेशेंट को क्या लगेगा कि वो मेडिसिन ले रहा है और उसको ऑटोमेटिकली इमोशनली ऐसा लगेगा कि इट हैव अ थेरापेटिक बेनिफिट इन हर बॉडी, और वो जो पर्टिकुलर डिजीज है उसे क्योर कर रहा है। फीमेल आर मोर इमोशनल देन मैन, सो रिक्वायर्ड लो डोज। फीमेल्स हैं जो ज़्यादा इमोशनल होती हैं एज कम्पेयर टू मेल, सो उनको जो डोज है वो थोड़ी कम रिक्वायर्ड होती है। साथ ही उन्हें प्लेसिबो के थ्रू भी थेरापेटिक बेनिफिट दिए जा सकते हैं, लाइक कुछ डिजीज हैं जहाँ पे ड्रग की जगह अगर आप सिर्फ प्लेसिबो दोगे तो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस, इट अ हर्ट डिजीज, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन हर्ट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। सेकेंड वन इज ब्रोंकियल अस्थमा, इट इज़ अ एलर्जिक डिजीज जहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, लाइक जो कहते हैं दम घुटना, दमा, उस तरीके से। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अब अगर किसी पर्सन के अंदर कोई डिजीज प्रेजेंस है तो मे बी पॉसिबल कि जो अपन ड्रग दे रहे हैं वो उसके अंदर जो नॉर्मल इफेक्ट है उसके कुछ डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि पॉसिबल है कि जो काइनेटिक्स हैं लाइक एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, उन किसी ना किसी जो ऑर्गन है जिसमें डिजीज है उसके थ्रू हो रहा हो, तो अगर अपन उससे रिलेटेड कोई ड्रग देंगे तो वो ड्रग का है जो एडीएमवी है इफेक्ट हो सकता है। लाइक अगर अपन बात करें सबसे पहले लीवर सिरोसिस की, ड्रग है जो लीवर से मेटाबॉलाइज होती है, अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस है, तो क्या होगा? ड्रग काफ़ी जो ड्रग्स हैं जो इसके थ्रू सारी की सारी मैकेनिज्म हो रही है वो इफेक्ट कर सकती हैं। लाइक अपन बात करें बारबिट्यूरेट्स की, बारबिट्यूरेट जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, क्लोरप्रोमाजिन, इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटी एंजाइटी मेडिसिन, तो अगर अपन इनको देते हैं जिस पर्सन को लीवर सिरोसिस है तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन मेडिसिन का अगर पर्सन को लीवर सिरोसिस है तो। अगर किसी पर्सन को किडनी फेलियर है और उसे अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं विच इज एंटीबायोटिक, तो दिक्कत क्या रहेगी? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो अगर किडनी फेलियर है तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी और बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि सम ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेजेंस डिजीज। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कि इस तरीके के कुछ ड्रग्स हैं जो कि अगर पेशेंट को इस तरीके की बीमारी है तो नहीं देनी चाहिए, अपने को कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन इनको देनी चाहिए। सी है ड्यूरिंग फीवर,
अब जो अपन एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं, फीवर को कम करने की मेडिसिन लेते हैं, तो अगर किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर 37 है और आप उसे पैरासिटामोल दे रहे हो, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो रिड्यूस नहीं होगा, वो 37 ही रहेगा। बट अगर किसी पेशेंट को फीवर है और आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे रहे हो, तब वो है जो कि उसका फीवर रिड्यूस करेगा। यानी कि जो एंटीपायरेटिक ड्रग है उनका टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी के अंदर सच में फीवर है तभी वो उसे रिड्यूस करेंगी, वरना सच एज वो इफेक्ट नहीं करेंगी। यानी कि जो टॉलरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग। तो द 9th पॉइंट इज अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन यानी कि चीज़ों का इकट्ठा होना। ड्यू टू स्लो एक्सक्रीशन सम ड्रग स्टोर इन हाई कंसंट्रेशन विच शो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन लॉन्ग टाइम यूज। यानी कि अगर अपन कोई ड्रग है जो कि काफ़ी समय से ले रहे हैं और उसका जो एक्सक्रीशन है वो जो स्लो है, तो क्या होगा, ड्रग है जो कि बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी। अब इकट्ठी वो चाहे वो किडनी में हो या पर्टिकुलर किसी दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हो, तो वहाँ पर अगर वो टॉक्सिक हो जाए स्टोर हो जाएगी, तो जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है ड्यू टू हाई डोज वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट कॉज करेगी। लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं, डिजिटलेज, समेटिन एंड हैवी मेटल्स लाइक डिजिटलेज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इमेटिन इज फॉर अमेटिक एंड सम हैवी मेटल्स। यानी कि ड्रग अगर अपन हाई कंसंट्रेशन में ले रहे हैं और काफ़ी समय से ले रहे हैं और अगर वो बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू कर देती है, तो क्या होगा, वो टॉक्सिसिटी शो कर देगी। कैसे, जैसे कि अगर सपोज वो किडनी में इकट्ठी होनी शुरू कर रही है तो फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम आएगी, मे बी पॉसिबल कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर ले या फिर किडनी स्टोन के रूप में अपना रूप ले ले, या फिर लीवर के अंदर है तो लीवर के अंदर सिरोसिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाएगी। और बट कभी कभी जो अक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग है इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट एक्शन। यानी कि काफ़ी समय ऐसा होता है कि ड्रग को अक्यूमुलेट होना ज़रूरी है अगर उसका अपने को एक सफिशिएंट या फिर डिजायर एक्शन चाहिए। उसका एग्जांपल क्या है, फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन जो कि एपिलेप्सी ट्रीटमेंट में काम आता है, मिर्गी के दोहरों को सही करने के काम आता है, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ज़रूरी है। रीज़न क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी कि अगर बॉडी में हमेशा वो ड्रग पड़ी रही तो क्या होगा, वो हमेशा एक्शन करती रहेगी, सस्टेन रिलीज रहेगा, उसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट रहेगा। और जो एपिलेप्सी है वो एक ऐसी बीमारी है कि जो सीजर्स है वो कभी भी आ सकते हैं, जो मिर्गी के दौरे हैं वो कभी भी आ सकते हैं। तो अगर अपनी बॉडी में वो ड्रग परमानेंट या क्यूमुलेटिव टाइप में पड़ी रही तो क्या होगा, जो ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी का वो ईजी हो जाएगा, या जो अपने को डिजायर एक्शन चाहिए कि ड्रग है जो लंबे समय तक काम करती रहे वो पूरी होगी। टॉपिक इज एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट को अपन ड्रग ड्रग इंटेक्शन भी कह सकते हैं। जो एडिटिव इफेक्ट है काफ़ी समय अपन डिजायरेबल होता है, अपन चाह के लाते हैं, और कभी कभी ये ड्रग ड्रग इंटेक्शन के थ्रू भी आता है। अभी क्या होता है, इट इज़ एन इफेक्ट इन विच टू सब्सटेंस और एक्शन यूज इन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस टोटल इफेक्ट ऑफ द सेम ड्रग एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। यानी कि अगर अपन कोई ड्रग्स दे रहे हैं, सपोज ये एक ड्रग है, दूसरी ये एक ड्रग है, अब जैसे ही इन दोनों को अपन कॉम्बिनेशन में देंगे तो जो दोनों का एक एक्शन है, सपोज इसका वन एक्शन है, इसका दो है, इसका भी एक है, तो जैसे ही इन दोनों का एक्शन ड्रग्स को अपन साथ में देंगे तो इसका जो सम है यानी कि 1+1=2 वो एक्शन है जो कि ड्रग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। लाइक एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि एफिड्रीन और एमिनोफाइलिन है, इन दोनों ड्रग्स को जब अपन साथ में देते हैं तो इनका जो ड्रग का एक्शन है वो फिर और लंबे समय तक हो जाएगा। जैसे कि जो एम्फिटीन है सपोज 1 घंटे के काम करती है और एमिनोफाइलिन भी 1 घंटे के लिए काम करती है, और जैसे इन दोनों को आपने साथ में दिया तो जो अब एक्शन है जो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे अब जो ड्रग है ब्रोंकेलस्मा में 2 घंटे तक काम कर सकती है। सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म इज ऑल्सो अ ड्रग इंटेक्शन, इट इज डिजायरेबल या समटाइम्स अनडिजायरेबल। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ये क्या होता है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग एजेंट्स और एंटिटीज फैक्टर्स और सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट। यानी कि जो अब इफेक्ट आएगा किसी भी दो ड्रग के मिलने से वो एडिटिव या फिर उसका सम इफेक्ट नहीं होगा, उससे भी ज्यादा होगा। जैसे कि सपोज ए ड्रग थी जो 1 घंटे काम कर रही थी और बी थी जो 1 घंटे काम कर रही थी, एडिटिव में तो अब वो 2 घंटे काम करने लग जाएगी। बट सिनर्जिज्म की बात है तो सपोज ये 1 घंटे काम करी थी और ये भी 1 घंटे काम करी थी, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा दोनों को साथ में देने के लिए वो हो गया 11 घंटे, यानी कि हाईली सस्टेन रिलीज, प्रोलॉन्ग एक्शन हो गया। एडवांटेज की बात करें कि यहाँ कहाँ पे डिजायरेबल अपन करवाते हैं, तो एग्जांपल इसका प्रोकेन प्लस एड्रेनलिन। प्रोकेन इज लोकल एनास्थेटिक और एड्रेनलिन है जो कि इमरजेंसीज में दिया जाता है, जैसे कि किसी का सडन हार्ट फेल हो गया तो एड्रेनलिन दिया जाता है जो कि सिस्टम को वापस एक्टिवेट करने में काम आता है। तो यहाँ पे जो प्रोकेन है वो क्या करेगा, जो एड्रेनलिन है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा अगर दोनों को अलग अलग दें या फिर दोनों को साथ दें तो। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज के अंदर एग्जांपल है एस्पिरिन एंड वारफरिन का। अगर अपन इसका इंडिविजुअल यूज़ देखें तो एस्पिरिन फीवर को भी रिड्यूस करती है, साथ ही साथ इज एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंड वारफरिन इज यूज्ड एज एंटी कोगुलेंट, यानी कि जो क्लॉट हो जाते हैं ब्लड के अंदर
वहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट एक्शन है वॉरफरिन का वो प्रोड्यूस करते हैं और जो क्लॉट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो सपोज किसी पर्सन को, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब दोनों को जैसे ही साथ में देंगे तो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी है, एंटीकोगुलेटिंग प्रॉपर्टी है, तो जो ब्लीडिंग है वो बहुत एक्सेसिव हो जाएगी। सपोज कि किसी पर्सन को फीवर हो रखा था और उसने एस्पिरिन ली, एस्पिरिन ने फीवर तो रिड्यूस किया बट साथ साथ इसकी एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी भी है, और उसी पेशेंट के अंदर कोई ऑपरेशन है या कोई इंजरी हो जाती है और उसने एंटीकोगुलेंट ले रखे हैं उसके ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू, तो अब क्या होगा, वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी और ड्यू टू ब्लड लॉस उसकी डेथ भी हो सकती है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म इज द इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग सब्सटेंसेस दैट द एक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम ऑन लिविंग सेल और टिश्यू डिक्रीज और डिमिंश्ड। यानी कि जब भी आप दो मेडिसिन को एक साथ दोगे, कभी कभार इट इज़ अ ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, तो क्या होगा कि वो एडिटिव इफेक्ट ना देते हुए ड्रग को है जो या तो डिक्रीज कर सकता है या उतना को उतना एक्शन रख देगा। अब एंटागोनिस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, अगोनिस्ट या फिर इनवर्स एंटागोनिस्ट। अब अपन कौन सा उसके साथ दे रहे हैं ये डिपेंड करता है कि एक्शन क्या होगा। कभी कभार उतना का उतना एक्शन होगा, कभी एक्शन को डिक्लाइन भी कर सकता है, और कभी कभार जो उसका इफेक्ट आना था एडिटिव वो ना आके स्टेटिक हो सकता है, यानी कि इट मे बी एक्शन ऑन डिक्रीज और डिमिश, या तो डिक्रीज कर दिया गया या पूरा का पूरा एक्शन ही खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब एंटागोनिस्ट का एडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर अपने को किसी का एक्शन रोकना है, यानी कि सपोज किसी ने पॉइजन ले लिया तो अपने उसका एंटीडोट देना है, उसका उल्टा काम करने वाली कोई दवाई देनी है, तो यानी कि पॉइजन ट्रीटमेंट में बहुत सही है। कोई भी पॉइजन हो रहे तो अपने को उसका जस्ट उसका एंटागोनिज्म उसका उल्टा एक्शन करने वाला देना है, तो क्या होगा जो पॉइजनिंग है वो न्यूट्रल हो जाएगी और साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है एसिड पॉइजनिंग में, अब एसिड पॉइजनिंग के अंदर अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अल्कलाइन नेचर है, तो जैसे ही एसिड के अंदर जाएगा तो सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा और जो एसिड के कारण जो पॉइजनिंग हो रही थी, जो टॉक्सिसिटी हो रही थी, वो अब नहीं होगी। दूसरा अगर अपन बात करें जो कि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन है, जैसे कि एड्रेनालिन है, ये क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, स्टिमुलेटिंग है, और एसिटाइल कोलिन इज अ वेजो डायलेटर। तो अगर आप एड्रेनालिन के साथ एसिटाइल कोलिन दे दोगे तो क्या होगा, दोनों का जो एक्शन है वो डिमिश हो जाएगा। एसिटाइलिन कोलिन है जो एड्रेनालिन के इफेक्ट को खत्म कर देगी और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। आइडियोसिंक्रेसी, आइडियोसिंक्रेसी को अपन ड्रग एलर्जी भी कहते हैं, यानी कि सपोज आपने कोई मेडिसिन ली, सपोज आपने पैरासिटामोल ली, अब पैरासिटामोल का काम क्या है, इट इज एनाल जैसे कि एंटीपायरेटिक, फीवर को रिड्यूस करेगी और पेन को रिड्यूस करेगी, बट कभी कभार कुछ पेशेंट्स के अंदर इसके अलावा भी कोई एक्शन आते हैं जो कि उस ड्रग के एक्शन नहीं होते, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज वो देने लग जाता है। सपोज वो ड्रग एलर्जी हो सकती है या उसके चेहरे पे कोई चकते बन सकते हैं, तो दिस इज आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी ऑफ मेडिसिन, द इफेक्ट अदर देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो इफेक्ट आया है वो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, कोई एलर्जी है। एग्जाम्पल की बात करें लाइक एस्पिरिन, अपन इसे साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन का क्या काम है, इट इज एंटीप्लेटलेट एंड एंटीपायरेटिक ड्रग, बट अगर आप इसे ले रहे हो तो इट कॉज गैस्ट्रिक हैमरेज, गैस्ट्रिक हैमरेज भी करती है, इट इज अ ड्रग एलर्जी ऑफ इट, इट इज साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। फिर है क्विनीन, क्विनीन इज एंटी मलेरियल ड्रग बट इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस रिंगिंग इन ईयर, कानों के अंदर घंटियों से आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इसकी एक एलर्जी है या इसका एक साइड इफेक्ट है। सम एंटीबायोटिक शो सेंसिटिविटी, कुछ सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी शो करती है, एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, लाइक पेनिसिलिन। 14 इज टॉलरेंस, लार्ज डोज रिक्वायर टू प्रोड्यूस नॉर्मल थेरापेटिक डोज लेवल इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारे पेशेंट के अंदर अपन कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता जब तक उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना दिया जाए, तो यानी कि उसकी जो नॉर्मल रेंज थी डोज की एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, अब उसके लिए उस पर्सन या उस पेशेंट की जो बॉडी है वो टॉलरेट हो चुकी है, उतने में वो उसका एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। रीज़न क्या होता है कि भाई जब वो पर्टिकुलर मेडिसिन उसको बार बार दी जा रही है तो जब तक उसको हाई डोज नहीं दोगे तब तक उसके अंदर एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे स्मोकर्स हैं तो स्मोक करते हैं तो ऑब्वियस हम वो निकोटीन इनहेल कर रहे हैं बार बार, तो जो निकोटीन टाइप ऑफ ड्रग्स हैं वो ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी उस चीज़ की उनकी बॉडी को ऑलरेडी आदत है। वाइल अपन एल्कोहलिक्स की बात करें तो एल्कोहलिक भी एक अमाउंट अगर रेगुलर वो ले रहे हैं तो एक एल्कोहल अगर अपन मेडिकेशन में भी दे दें तो वो एल्कोहल को टॉलरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो जो टॉलरेंस है वो दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रू टॉलरेंस और एक होती है सूडो। जो ट्रू टॉलरेंस होती है वो बाय ओरल या बाय पेरेंटल रूट, आप कोई भी रूट से दे दो
वो टॉलरेट कर लेगा उस चीज़ को, वो उस डोज को टॉलरेट कर लेगा, उसको एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अपने को ज़्यादा डोज ही देनी पड़ेगी। वेल सूडो जो टॉलरेंस है वो केवल ओरल रूट से है, आप आईवी दोगे तो हो सकता है कि आपको कम क्वांटिटी के अंदर ही सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाए। फिर है टैकीफाइलेक्सिस, इट इज ऑल्सो नोन एज अक्यूट टॉलरेंस, रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ब्लॉक सेल रिसेप्टर एंड डिक्रीज ड्रग रिस्पॉन्स। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू दे रहे हैं तो जो उसके जो ब्लॉक जो रिसेप्टर्स हैं जो कि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करवा रहे हैं, वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। अब अगर वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप डोज ज़्यादा भी दे रहे हो तो सच में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, एग्जाम्पल एफिड्रीन इन ब्रोंकियल अस्थमा एंड कोकेन एंड नाइट्रेट्स। लास्ट पॉइंट इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो फर्स्ट है सैलिसाइलेट, दे रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइजेज बट शोज नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अपन कोई फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो फीवर केवल उन्हीं लोगों का रिड्यूस होगा जिनको ऑलरेडी फीवर है, जिनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, बट अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाले को दिया जाए तो उनके ऊपर उस मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीके का ये डिस्टर्बेंस है या टॉलरेंस है, इसे कुछ भी कह दो। सेकेंड वन इज आयरन एब्जॉर्प्शन, ये अपनी बॉडी के हिसाब से है कि अपनी बॉडी किस रिक्वायरमेंट में किस चीज़ को ले रही है। लाइक आयरन एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इफ एन इंडिविजुअल हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब किसी अंदर पेशेंट के अंदर कोई बीमारी है और आप उसे बीमारी को क्योर करने के लिए वो मेडिसिन दे रहे हो तो क्या करेगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको क्योर करने की जो क्षमता है एज कम्पेयर टू द अदर पेशेंट उसमें ज़्यादा होगी। वैसे ही जैसे कि अगर किसी कोई पर्सन है जिसमें आयरन एब्जॉर्प्शन अपन करवा रहे हैं और उसे एनीमिया है तो जो आयरन एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी भी होगी वो भी एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन उसमें ज़्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।